हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में बेटा हमने कौन सा पार्ट 7 पढ़ा था, उसकी अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखिए। बेटा चैप्टर मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके अभ्यास कार्य को करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दिए हुए हैं इनको वापस से लिखना है और रीड करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। शौर्य के भैया को किस बात पर आश्चर्य हुआ? शौर्य के भैया को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसने 2 महीने तक उनके पत्र का कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। मतलब उसका पत्र का रिप्लाई देते हैं ना, वैसे उसने 2 महीने तक अपने पत्र का वापस पत्र नहीं भेजा क्योंकि उसके पास समय नहीं था। क्या करने से सब काम समय पर हो जाते हैं? अपना समय सारणी बना लेने पर हमारे सारे काम समय पर हो जाते हैं। सब धन से अधिक मूल्यवान क्यों हैं? समय धन से अधिक मूल्यवान इसलिए है क्योंकि धन तो कमाया जा सकता है लेकिन समय कभी वापस नहीं आ सकता। काम के लिए अधिक समय निकालने का क्या उपाय है? काम के लिए अधिक समय निकालने के लिए समय सारणी का प्रयोग करना चाहिए और जितना हो सके हम अपने टाइम को बचाना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर अच्छे से अपना टाइम निकाल कर अच्छे से पढ़ाई अपना मन लगा करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। महापुरुष किस बात पर विशेष ध्यान रखते थे? महापुरुष इस बात का ध्यान रखते थे समय का सदुपयोग का। ये क्वेश्चन आंसर सो बेटा प्रश्नोत्तर शब्दार्थ और कठिन शब्द मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारे सही गलत। समय धन से कम मूल्यवान है? नहीं। समय का एक एक क्षण बहुमूल्य है? सही। विद्यार्थी जीवन भविष्य के निर्माण का काल है? रॉन्ग। सॉरी बेटा इसमें राइट आएगा, वो बाय मिस्टेक गलत हो गया, आप इसको सही कर लेना। प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित मत करो? सही बात है। गांधी जी की समय की कीमत समझते थे? इसमें होगा राइट, इसमें भी सही करना है। तो बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इनको मैं आपको PDF में जब भेजूंगी तो आपको सही कर लूंगी। बेटा ये आपके प्रश्न 3 के जो हैं सही गलत हैं वो मैं आपको PDF के माध्यम से जब भेजूंगी तब से करूँगी। ये बाय मिस्टेक गलत हो गए हैं वो मैं आपको सही करवा दूंगी। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। पाठ से पढ़कर इसकी पंक्ति लिखी जिसमें कहा गया है हर पल कीमती है, समय का एक एक क्षण बहुत बहुमूल्य है। समय का सबसे अधिक कीमत है, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? समय। काम करने में टाल मटोल मत करो, काम से जू नहीं चुराना चाहिए। अब हमारा आता है सही विकल्प। वे लोग प्राय कार्य करने के लिए समय ना मिलने की शिकायत करते हैं जो अपने समय का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं। समय का सदुपयोग करने से बहुत सा समय बचा रहता है। बिल्कुल समय नष्ट नहीं हो बचता या अधिक समय नष्ट होता है तो बहुत सा समय बचा रहता है। गवाया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता है। ओके, अब है हमारा पाठ्यांश से गद्यांश। गद्यांश बहुत छोटा है, आप इजीली कर पाएंगे, मैं आपको नहीं समझा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। ये देखिए इसमें भी दिया हुआ है क्रिया शब्द का, ये है हमारे, ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये कर लेना है इसमें से। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अब आपको क्या करना है, अपनी बुक की एक्सरसाइज फिल करनी है। हाँ, ऑपरेटर प्रश्न नंबर 3 मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी और आप उसको सही कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें सुरक्षित रहें।